अब मैं एक बात करने लगी हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल. Nobody is going to grow taller, Prime Saab, अगर आपका इंटरेक्शन होगा. लेकिन इस कौम को एक हीलिंग टच की जरूरत है. एक कुदरती आफत आई हुई है. मैं आपसे ये कह रही हूं कि ना तो शहबाज शरीफ साहब ने लंबा हो जाना है ज्यादा, ना बिलावल भुट्टो साहब को ज्यादा वोट मिले. आपसे एक इल्तजा है कि आप मिले इन लोगों को, प्लीज. दैट इज फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, वी नीड. जो हीलिंग टच चाहिए ना पाकिस्तान को, अगर आप मेरे से पूछे हीलिंग टच क्या चाहिए पाकिस्तान को, हीलिंग टच ये चाहिए कि एक छोटा सा तबका इस मुल्क में प्रिविलेज्ड है. वो चोरी करता है, वो लूटता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है. हमारा मुल्क उसको पकड़ के जेलों में नहीं डाल सकता. सुनो, मेरी पहले बात सुने. सारी जो हायर एजुकेशन तालीम वो एक छोटे से तबके के लिए, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल वो छोटे से तबके के लिए. इस मुल्क के अंदर अगर मैं आज ताकतवर हूं और मैं पैसे वाला हूं, मैं इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, मैं जो मर्जी करूं इस मुल्क में, मुझे कुछ नहीं कह सकता. और जो जो नीचे है, जिसको हीलिंग टच चाहिए, ना उनके लिए हम अच्छी तालीम देते हैं, ना साफ पीने का पानी देते हैं. किसी को पता है कि एक मिनट सुन लेना, मैं आपके पहले पूरी आपकी बात पूरी कर दूं. इसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. देखें, इस मुल्क के लिए जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि इस मुल्क के अंदर वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी स्टेक है. वो छोटा सा चोरी करता, साइकिल पकड़ता, वो 6 महीने जेल में चला जाता है. और दूसरे जो है ताकतवर, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, यहां 30-30 साल से हुकूमत में रहे हुए हैं और इलाज सबका बाहर होता है, एक हॉस्पिटल नहीं है. और हॉस्पिटल को आज आके तनकीद कर रहे हैं, आज कह रहे हैं ये हॉस्पिटल का क्यों इतना बुरा हाल है. देखें, ये इसलिए है कि इसमें ताकतवर इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता, पैसे वाला इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता. मेरा इसलिए बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि ये जो मुल्क है, इसमें सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि हमने इंसानों के अंदर फर्क किया. हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत एक पते वाली हदीस जो हमारे सामने दुनिया में चल रही है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए. ये मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है. मैंने इसलिए, आप भी उस पार्टी में थी जो आज से 23 साल पहले तहरीक इंसाफ बनाई थी. वो तहरीक इंसाफ का मतलब ही ये था कि इंसानों को एक ही तरह रखो, तबके ना रखो. सर, आपने सबको बुला लिया, तो ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया, आपने बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है. आप ये डरते डरते सवाल करो, मुझे पता आप इसमें बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ. अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें उनसे, ठीक है. आपकी जितनी भी वो नाराजगी, जितनी भी आपकी, वो उनको भी कहें, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, कुछ करें. अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है. खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए. कैसे? क्योंकि वो लोग सियासत ना करो यार, सियासत की बात. नहीं, मैं तो कहता अगर हो जाइए या फिर बाहर पैसे ले आए वापस. सर, सीरियस नोट में एक सवाल.